भागने की कोशिश में शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम। यूपी पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के 3 महीने होने को है, लेकिन पुलिस अभी तक सभी आरोपियों को दबोच नहीं पाई। वारदात के दिन घटना स्थल पर मौजूद 7 सूत्रों में से 3 अभी तक फरार चल रहे हैं। बता दें कि यूपी और एसटीएफ के पास उसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं माफिया अधीक अहमद की पत्नी साइस्ता भी यूपी पुलिस को खूब चकमा दे रही। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपी देश छोड़कर जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन और उसके करीबी सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस साइस्ता प्रवीण के नाम पर 50,000 रुपए का इनाम पहले ही घोषित कर चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस साइस्ता प्रवीण और अन्य 2 आरोपियों का पता नहीं लगा पा रही है। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि वो देश से भाग सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज पुलिस ने पहले इस संबंध में अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार को भेजी थी और इसी के आधार पर उनके खिलाफ देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। सभी आप्रवासन चौकियों को लुकआउट नोटिस भेज दिया गया और यदि वो देश से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं तो प्रयागराज पुलिस को संबंधित एजेंसियों को अलर्ट प्राप्त होगा। बता दें कि यूपी पुलिस ने 9 अप्रैल को मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता प्रवीण पर इनाम दोगुना कर दिया है। पुलिस ने साइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। यूपी पुलिस ने 19 अप्रैल को साइस्ता की तलाश में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अभी भी तलाश अभियान जारी है। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मारे जाने और अतीक के बेटे असद अहमद के मारे जाने के बाद भी साइस्ता फरार है। इससे पहले 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक के साले अखलाक अहमद को कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को निलंबित कर दिया था। बता दें कि डॉक्टर अखलाक अहमद फिलहाल प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। बता दें कि वह मेरठ के भवनपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। डॉक्टर अखलाक अहमद पर प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद फरार सूत्रों को विस्फोटक मुहैया कराने और गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने कार्यवाही की। वही अखलाक अहमद गैंगस्टर अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की पत्नी। तो ऐसे ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।